अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने कसर में आधा और पाव पढ़े है ना। अब हम पढ़ेंगे पौन। पौन को कसर में किस तरह जाहिर करते हैं, शक्लों में किस तरह जाहिर करते हैं और उसे किस तरह लिखा जाता है। ये आपके सामने मुरब्बा नुमा शक्ल है, इसे मुरब्बा कहते हैं। इसके हमने चार बराबर बराबर हिस्से किए, चार हिस्सों में से एक हिस्सा हमने कम कर दिए, तो तीन हिस्से पौन कहलाते हैं, है ना। इसी तरीके से ये भी आपके सामने मुरब्बा शक्ल है, इसके हमने इस तरीके से चार बराबर बराबर हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा पाव कहलाता है। चार हिस्से में से एक हिस्सा हम कम कर देंगे तो तीन हिस्से पौन कहलाते हैं। ये मुस्ततील है, इसके हमने चार बराबर बराबर हिस्से किए, है ना, तो एक हिस्सा पाव कहलाता है। अब हम चार हिस्से में से एक हिस्सा कम कर देंगे तो ये जो तीन हिस्से है ये पौन कहलाते हैं। पाव हिस्सा कम करना है। अब ये भी आपके सामने मुरब्बा शक्ल है, इसके इस तरीके से हमने चार बराबर बराबर हिस्से किए। अब हमको पौन बताना है तो इसके लिए हमको पाव हिस्सा कम करना होगा, तो ये तीन हिस्से पौन कहलाते हैं, है ना। अब ये आपके सामने दायरा है, दायरे के हमने चार बराबर बराबर हिस्से किए। अब हमें पौन बताना है, इसके लिए हम एक पाव हिस्सा कम कर देंगे, तो ये जो तीन हिस्से हैं ये पौन कहलाते हैं। कसर में पौन को 3/4 लिखते हैं, है ना बच्चों। किसी चीज़ के चार बराबर बराबर हिस्से करने पर, उसमें से चार बराबर हिस्से किए उसमें से एक हिस्सा हम कम कर देंगे तो तीन हिस्से पौन कहलाते हैं। अल्लाह हाफिज़।